जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये कोरोना वायरस के वजह से जो अपने हिंदुस्तान में जो तकलीफें हो रही है, कितने ऐसे बुजुर्ग बच्चे जो इसका शिकार हुए हैं, इसके वजह से अभी कल यानी संडे को कर्फ्यू है। तो मेरे हिंदुस्तान के सारे जनता को बोलना चाहता है, मेरे दोस्त, मेरे फैंस, मेरी माँ बहने बेटियां, सबको बोलना चाहता है कि प्लीज कल आप घर के बाहर ना निकले। आप कल घर के अंदर ही रहिए, जितना हो सके आज ही आपका पूरा काम निपटा दो। सामान लाना है कुछ, घर की सब्जियां क्या है वो सब आज ही लाना। और दूसरी बात, जिनके ऊपर आज तक उंगलियां उठा रहे थे ना लोग, वो फरिश्ते बन के हमारे लिए खड़े है, वो ये हमारे हिंदुस्तान की पुलिस। वो भी एक इंसान है ना, हाँ? उसका भी फैमिली है ना। फिर भी कल संडे को 24 घंटा वो अपने सेवा में खड़ा होगा उधर। तो किसी एक की वजह से सबके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाना। डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी है, उनकी भी फैमिली है ना। हाँ, वो छोटे से छोटा वो प्यून, वार्ड बॉय जो बीएमसी में काम करने वाले, कचरे के जो गाड़ी पे काम करते, अपना जो गंदगी उठाते बेचारे, हाँ, ये सब फरिश्ते जो अपने लिए इतने सालों से कर रहे, कल भी खड़े रहने वाले। तो मैं सारे मेरे हिंदुस्तान की जनता से बोलना चाहता हूं कि इनके लिए, इनके पूरे फैमिली के लिए दुआ करिए कि इनके ऊपर भी वो कभी बला ना आए, इनके घर वालों को भी कभी कुछ तकलीफ ना हो। बहुत सारा प्यार दीजिए इन लोगों को, क्योंकि अपने लिए ये 24 घंटा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खड़े रहने वाले हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इन सबको दुआ में याद रखिए, क्योंकि सारे मंदिर तीर्थ जगह जितने भी है सब बंद हो गया, कोई नहीं अभी ना जाने दे रहे मंदिरों में कहां भी। तो उसने वो फरिश्तों को खड़ा किया यहां पे। तो मैं चाहता हूं इन फरिश्तों के लिए आप दुआ करिए। जय हिंद, दुआ में याद रखना।